नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा पांचवी के गणित में पार्ट पांच का प्रश्न संग्रह 23 करने वाले हैं। सो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 23। यह है प्रश्न संग्रह 23, उसमें क्या दिया गया, नीचे दी गई दो संख्याओं के मध्य आने वाली तीन परिमेय संख्याएं लिखो। तो यहाँ पे देखो जो परिमेय संख्याएं होती है वो क्या होती है, वो संख्या रेखा पर होती है। तो आप लोगों को पता है कि जो भी हमारी संख्या रेखा होती है ये जीरो हो जाएगा, एक दो तीन चार पांच छ सात, और इस साइड में माइनस में आता है, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार इस तरीके का बनता है। तो आप लोगों को ये संख्या रेखा को ध्यान में रखते हुए इसमें से निकालना है। तो अब यहाँ पे देखते हैं पहले सवाल में यहाँ पे क्या दिया गया है, दो बटे सात और छ बटे सात। दो बटे सात और छ बटे सात के बीच में आएगा क्या क्या, तो यहाँ पे देखो दोनों का पहले हर समान देखना है, तो दोनों का हर तो समान है, यहाँ पे दोनों का हर समान है तो मैं लिख सकता हूँ तीन बटे सात, चार बटे सात और यहाँ पे पांच बटे सात। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया ना, तीन परिमेय संख्या, यहाँ पे देखो एक दो तीन, तीन परिमेय संख्या हो गई। तो कौन सी आई परिमेय संख्या, तो इसके उत्तर में लिख लोगे कौन सी आई है, तीन बटे सात, चार बटे सात और पांच बटे सात, ये आएगी हमारी उसके बीच के तीन परिमेय संख्या। अब अगला करते हैं, दूसरे में क्या दिया गया, चार बटे पांच और दो बटे तीन के बीच की परिमेय संख्या लिखना। तो यहाँ पे देखोगे हर समान नहीं है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हर समान करेंगे इसको, चार बटे पांच यहाँ पे लिख लो और दो बटे तीन यहाँ पे लिख लो। हर समान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तीन का गुणा करेंगे और यहाँ पे किसका गुणा कर दोगे, यहाँ पे पांच का गुणा करोगे, इसी तरीके से होगा। ये हो जाएगा चार ते बारह बटे पंद्रह और यहाँ पे हो जाएगा पांच दूनी दस बटे पंद्रह। तो यहाँ पे देखोगे ये दस और बारह के बीच में सिर्फ एक ही संख्या आती है, ग्यारह बटे पंद्रह, इसका मतलब यहाँ पे इसका उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे कितना चाहिए, तीन परिमेय संख्या चाहिए और हमारा कितना बन रहा है, एक ही संख्या बनेगा। देखो दस और बारह के बीच में ग्यारह ही आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें और गुणा कर देते हैं, दो का गुणा और कर दो यहाँ पे भी और इसमें भी दो का गुणा कर दो, हम लोग कितनी बार भी गुणा कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बारह दुनी चौबीस बटे तीस और यहाँ पे हो जाएगा दस दुनी बीस बटे तीस। अब यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है, चौबीस बटे तीस और बीस बटे तीस दोनों का हर तो समान आ गया है, तो ये दोनों के बीच में चौबीस और बीस के बीच में क्या क्या नंबर आता है, देखो इक्कीस आएगा, बाईस आएगा और तेईस आएगा, तो तीन नंबर हो जाएगा ना बीच में, तो यही आएगा हमारा उत्तर। तो हमारा उत्तर में क्या आएगा, तेईस बटे तीस, बाईस बटे तीस और इक्कीस बटे तीस, ये दोनों के बीच के नंबर क्या क्या है, तेईस बटे तीस, बाईस बटे तीस और इक्कीस बटे तीस। अब हम अगला करते हैं, इसमें भी वैसे करना है, यहाँ पे देखोगे माइनस में दिया गया दो बटे तीन और यहाँ पे दिया गया चार बटे पांच, तो हर समान कर दो इसको, यहाँ पे हम इसका हर समान करने के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे, दो बटे तीन में पांच का गुणा कर दिया और चार बटे पांच में तीन का गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा पांच दूनी दस, माइनस दस बटे यहाँ पे तीन पचे पंद्रह और यहाँ पे ये हो जाएगा चार ते बारह बटे पंद्रह। अब यहाँ पे देखोगे ये दस नहीं है, ये माइनस दस है, तो इसके बीच में क्या क्या संख्या आएगी, जैसा हम लोग संख्या रेखा पर देखते हैं, ये जीरो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ऐसा करते करते यहाँ पे बारह है और यहाँ पे माइनस एक माइनस दो, ऐसे करते करते यहाँ पे माइनस दस तक आएगा। तो कहने का क्या मतलब, इसमें से आप कोई भी संख्या ले सकते, जैसे यहाँ पे अभी मैं ले ले रहा हूँ माइनस तीन बटे पंद्रह और यहाँ पे ले लो दो बटे पंद्रह और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सात बटे पंद्रह। मैंने माइनस तीन बटे पंद्रह लिया, दो बटे पंद्रह लिया और सात बटे पंद्रह लिया, तो आप लोग कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे माइनस नौ आएगा, माइनस आठ, माइनस सात, किसी का भी बटे पंद्रह आप लोग लिख सकते हो। देखो यहाँ पे माइनस दस और बारह के बीच में इतनी सारी संख्याएं आएंगी, आप कोई भी ले सकते हो, तो इसका उत्तर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा माइनस तीन बटे पंद्रह कॉमा दो बटे पंद्रह और सात बटे पंद्रह।
अब अगला करते हैं। इसमें क्या दिया गया, अब यहाँ पे देखोगे ये बटे में नौ मतलब दोनों का हर समान है, तो इसको हमको हर को समान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माइनस पांच बटे नौ ये दिया गया है, तो इसके बीच में हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। माइनस चार बटे नौ ले लो, माइनस दो बटे नौ ले लो, फिर यहाँ पे तीन बटे नौ ले लो, कुछ भी आप लोग ले सकते हो। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, हमारा उत्तर बनेगा तीन बटे नौ, माइनस दो बटे नौ और माइनस चार बटे नौ। आप लोग यहाँ पे माइनस तीन बटे नौ भी ले सकते हो, एक बटे नौ भी ले सकते हो। अब हम अगला करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, माइनस तीन बटे चार और यहाँ पे दिया गया प्लस पांच बटे चार। अब यहाँ पे भी वैसे ही देखो, माइनस तीन और प्लस चार अगर हम संख्या रेखा पर दर्शाते इसको, माइनस तीन माइनस दो माइनस एक जीरो एक दो तीन चार और पांच, माइनस दो से लेकर के चार तक आप कुछ भी ले सकते हो। सपोज मैंने ले लिया माइनस दो बटे चार, फिर यहाँ पे माइनस एक बटे चार, यहाँ पे मैंने ले लिया जीरो, यहाँ पे मैंने ले लिया एक बटे चार, लेकिन हमको कितना संख्या लिखना है, तीन ही संख्या लिखना है। इसमें से आप कोई भी तीन लिख सकते हो, तो यहाँ पे उत्तर में आ जाएगा माइनस दो बटे चार, माइनस एक बटे चार और जीरो। मैं ये तीन संख्या ले रहा हूँ। अब अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया है, सात बटे आठ और यहाँ पे माइनस पांच बटे तीन। अब इसमें से चेक करोगे हर समान नहीं है, तो क्या करोगे, हर समान करने के लिए गुणा करना पड़ेगा। तो सात बटे आठ में तीन का गुणा कर दो और पांच बटे तीन में आठ का गुणा कर दोगे, ये हो जाएगा सात त्रिक इक्कीस, आठ त्रिक चौबीस और यह हो जाएगा आठ पंच चालीस माइनस चालीस और आठ त्रिक चौबीस। अब इसके बीच में देखो इक्कीस, इक्कीस और माइनस चालीस के बीच में तो बहुत सारे नंबर हो जाते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं। बीस बटे चौबीस ले लिया, माइनस पांच बटे चौबीस ले लिया, माइनस दस बटे चौबीस ले लिया, कुछ भी आप लोग ले सकते हो। तो इसके उत्तर में आ जाएगा बीस बटे चौबीस, माइनस पांच बटे चौबीस और माइनस दस बटे चौबीस। ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग इसमें कौन सा नंबर लेते हो। अब अगला करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, सातवें में पांच बटे सात दिया गया और यहाँ पे ग्यारह बटे सात दिया गया। यहाँ पे देखोगे पांच बटे सात और ग्यारह बटे सात दोनों का हर तो समान है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पांच और ग्यारह के बीच में क्या क्या आ सकता है, छह बटे सात आ सकता है, आठ बटे सात आ सकता है, नौ बटे सात आ सकता है, दस बटे सात आ सकता है। तो इसमें से कोई भी तीन हमको लेना है, तो हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग कोई भी तीन ले लेते हैं। मैं लेता हूँ छह बटे सात, आठ बटे सात और यहाँ पे दस बटे सात। इसी तरीके से करना है। अब अगला करते हैं। अब क्या करना है, जीरो और यहाँ पे देखोगे माइनस तीन बटे चार। अब यहाँ पे देखोगे इसमें बटे में चार नहीं है, तो इसको हम बटे में चार लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दोनों में दो दो से गुणा कर देता हूँ। यहाँ पे भी दो से गुणा किया और इसमें भी दो से गुणा किया। आप लोगों को लग रहा होगा देखो यहाँ पे ये चार समान तो है, हर समान है, लेकिन यहाँ पे देखोगे जीरो और माइनस तीन के बीच में सिर्फ माइनस एक आता है और माइनस दो, दो ही अंक आता है और हमको कितनी संख्या चाहिए, तीन संख्या चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे गुणा कर रहे हैं, तो जीरो दुनी जीरो और ये हो जाएगा चार दुनी आठ, हो जाएगा माइनस छ और यहाँ पे भी हो जाएगा आठ। अब ये दोनों के बीच में लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक बटे आठ, माइनस दो बटे आठ, माइनस तीन बटे आठ, माइनस चार बटे आठ, माइनस पांच बटे आठ, माइनस छह बटे आठ तो दिया गया। इसमें से कोई भी तीन पकड़ लो, यहाँ पे मैं ले लेता हूं माइनस दो बटे आठ, माइनस तीन बटे आठ और माइनस चार बटे। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 23 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 23 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।